Yes, very good afternoon. So, how are all of you? So, results are out. Anyone of you had written group 1? No? Okay, right. So, when is your attempt? November 16? All of you. Okay, right. So, both groups or group 1? Group 1 cleared, okay. Both groups you have to write. Okay, right. So, you are all from the CPT or somebody from the direct entry also. Yes, CPT, direct entry, okay, and few of you from CPT, okay, so CPT you would have been used to circle, 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 and you just take the numbers on the calculator and then char answers hai, usme se jo apna tally hota hai, to that you put a circle, and then accounts, FM, costing and tax which you have over there, those are practical subjects. Like, you know, there you have a format and then you have some principles to be applied and you do the problems, working note banate ho. But audit is an altogether different subject. In this paper, like your paper is at 2 o'clock in the afternoon, na? 2 to 5 is your paper time, no? So 2 o'clock, once you pick the pen and you start writing, directly 5 o'clock ki pen niche rakhna padta hai. मतलब अकाउंट्स एफएम में कैसे कुछ फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं, यू नो सम कैलकुलेटर पे कुछ टक टक करते हैं, यहाँ पे तो नथिंग एंड यू हैव टू राइट एंड ओन लैंग्वेज बीकॉम स्टाइल ऑफ राइटिंग है ना. मतलब आई डोंट के वो बहुत सारी वारी करने लगा है फिर आपको, यू नो ना वारी करते हैं जैसे पंडरी की वारी, वैसे सीए की वारी करनी पड़ती है फिर. मतलब लाइक स्टूडेंट्स बोलते हैं, अरे मैडम मेरा फाइनल का अटेम्प्ट आ गया है, मैडम अभी मई 17 में मेरा फाइनल का अटेम्प्ट ड्यू है, पर मैडम ये आईपीसीसी ऑडिट देखो ना मैडम हो ही नहीं रहा है, मैडम ये आईपीसीसी का इसको आईटीएसएम या विच एवर सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट्स कहीं ना कहीं अटक जाता है. सो रादर आईपीसीसी ग्रुप 2 डिलेज योर सीए फाइनल ना, एंड देन सीए फाइनल डिलेज बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. सो इट ऑल गोज ओवर देयर. सो आईपीसीसी है ना द ग्रुप 2 ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, राइट. सो 100 मार्क्स theory subject, that is something very special, that is the handle with care about the subject, it's a theory subject. Okay, right. So what do you mean by assurance? Aapko kisi ko assurance dena hai, matlab kisi ko kya? Auditing and assurance, wo subject ka naam hai na? So kisi ko? Protection. Kisi ko bharosa dena. है ना, टू अश्योर समबडी, आई अश्योर यू के एवरीथिंग विल बी राइट. मतलब किसी को आप भरोसा दे रहे हो, वैसे हियर टू हुम यू आर गिविंग अ भरोसा, टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कि डोंट वरी योर कंपनी का मैनेजमेंट इज डूइंग अ गुड जॉब, तुम्हारे कंपनी में सब ठीक चल रहा है, तुम्हारे कंपनी में कोई फ्रॉड एरर नहीं है. बिकॉज यू नो ना देर इज अ गैप बिटवीन द ओनर्स एंड द रनर्स ऑफ द कंपनी. हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? द शेयर होल्डर्स. यस. एंड हु आर द रनर्स ऑफ द कंपनी? द मैनेजमेंट, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. एंड दैट इज वाई द शेयर होल्डर्स अपॉइंट एन ऑडिटर, कि यार हमारे कंपनी में देखो ना सब ट्रू एंड फेयर, सब ठीक चल रहा है ना. यू अंडरस्टैंड? ओके. सो नाउ आर ऑडिट सब्जेक्ट है ना, आर एंटायर सिलेबस वी प्राइमा फेसी डिवाइडेड अंडर 4 पार्ट्स. अपना जो पूरा सिलेबस है आईपीसीसी ऑडिट का, वी डिवाइडेड अंडर 4 पार्ट्स. यस. पार्ट 1 इन विच फर्स्ट चैप्टर विच वी विल बी डिस्कसिंग इज रिगार्डिंग द बेसिक कंसेप्ट्स इन ऑडिटिंग. लाइक यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑडिट, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर. सो एवरीथिंग ऑडिट 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 बेसिक है ना, द इंट्रोडक्शन एंड द बेसिक कंसेप्ट. सो वन यू हैव बेसिक कंसेप्ट इन ऑडिटिंग एंड बिफोर दैट यू ऑल्सो हैव द इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग. So these are the first 2 chapters which we are going to discuss. Right, then basic concepts mein all terms relating to audit. Now you know if I tell you a few terms, abhi main yahan pe thode terms likhti hu, to you just tell me aapko ye terms pata hai kya, hai na? Power play, hai na? Hat trick, third empire, yeah, sorry, third empire, right? Third empire, then maiden over, right? Then golden duck, then LBW, आपको ये, yes, wicket, है ना, boundary. Do you know these terms? What are these?
All terms related to cricket, na? All terms which I have written over here are relating to cricket. मतलब आपको cricket के terms आते हैं, इसलिए आपको cricket मालूम है, इसलिए आपको cricket देखने में मज़ा आता है, है ना? That's why you enjoy watching cricket so much. तो similarly, अभी आपको audit में मज़ा आना चाहिए, इसलिए you should know the terms related to audit. You understand कि what is audit risk, what is audit evidence, what is audit program, what is audit report, what is audit engagement letter. फिर मजा आएगा ना audit पढ़ने में. So these are the first two chapters. Rather, chapter one is introduction to auditing and chapter two is basic concepts in auditing. And this basic concepts in auditing, it's like ये stand chapter हो गया तो ऐसा लगता है IPCC audit हो गया. मतलब it's that's crucial a chapter. मतलब ये चैप्टर तुम्हारा अगर हो गया तो इट्स लाइक तुमको ऑडिट आने लगता है, समझने लगता है. देन आफ्टर दैट यू हैव अ थर्ड चैप्टर ओवर देयर विच इज रिगार्डिंग द इंटरनल कंट्रोल्स. यस, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल्स? व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल्स? राइट, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल कंट्रोल्स? Controls within the organization, yes, policies and procedures. Like, you know, you come to the classroom and then when you enter into the classroom, they are going to check your receipt. So that's an example of an internal control, a control within the organization. Why should there should be controls within the organization? क्यों control होना चाहिए? क्यों ऐसे receipt check करते हैं जब आप लोग classroom में enter होते हो तो? अदरवाइज कोई भी आके बैठ जाएगा, फिर ऑब्वियसली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक से नहीं बनेंगे, हमारा रेवेन्यू बराबर नहीं होगा, फिर फ्रॉड एरर होने का चांस ज्यादा है. सो इसीलिए कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स आर रिक्वायर्ड. लाइक यू नो, आप कोई मॉल में शॉपिंग करने जाते हो तो आपके पास अगर कोई बैग है तो वो पहले आपको बाहर डिपॉजिट करके एक टोकन लेना पड़ता है, फिर आप शॉपिंग करके आते हो, आपका बिल हो जाता है, पेमेंट करते हो, फिर वापस एग्जिट के वहां पे वापस बिल दिखाना पड़ता है, फिर उसके ऊपर एग्जिट का स्टैंप लगा के आपको बाहर भेजते हैं. ये व्हाट इज दैट? दैट्स एन इंटरनल कंट्रोल ना, दैट्स अ कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब वो मॉल के एम्प्लॉइज अंदर बाहर जाते हैं तो उनका पूरा चेकिंग किया जाता है एंड देन दे आर अलाउड टू मूव इन एंड आउट कि वो कुछ गुड्स तो नहीं लेके जा रहे. फिर वो मॉल के एंट्रेंस और एग्जिट पे एक ऐसी वो मशीन लगाया हुआ रहता है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके वहां पे पहुंचते हो तो वो पीप पीप आवाज करने लगता है, यानी कि स्कैन नहीं हुआ, इसका बिलिंग नहीं हुआ, यू गो अगेन, क्योंकि उनके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू है ना वो. Right, so internal controls, that is the controls within the organization. And then after that you have the CIS audit. What is CIS audit? The computerized information systems audit. And a CIS, nowadays, you know, many of the clients, their accounting system is computerized. So now you have to do the audit in the computer environment. So computerized information systems environment. Right, so you have the CIS audit. Then after that, we have the part 2 in our syllabus. Right, part 2 in our syllabus, one again a very scoring part of your IPCC audit, is the chapter on vouching and verification. Yes, vouching and verification. Yes, can you tell me the few names of a few balance sheet items? Can you tell me the names of a few balance sheet items? Fixed assets. In that you have land and building, you have plant and machinery, furnitures and fixtures. Then you have investments. Then you have cash and bank balances. Right? Then you have the debtors. Then you have the stock, hai na, the inventory. Right? Bills receivable. Hai ke nahi? And then on the balance sheet liability side, you have the equity share capital, preference share capital, then you have the debentures, hai na? Then you have the loans which have been taken, then you have the current liabilities, you have the creditors of the company, and then you have all the provisions, provision for taxation, provision for retirement benefits, and all provisions. Hai na? You know this, balance sheet, right? And profit and loss account, can you name a few items in the profit and loss account for me? And now you have sales, then you have other income, then you have income from sale of fixed assets. Okay? Right. Interest income could be there. Interest expenditure could also be there. So that will come in other income. Then yahan pe? Right. Purchases. Right. Then you have the salary. Very good.
Right? Expenses. You have traveling expenses. Right? Then you have commission. Yes? Depreciation. Right? Then you have royalty. Yes? Depreciation. Then you have royalty. Then you have advertisement. Right? Advertisement expenditure. So many varieties of expenditures and income which are there. So now, when I have to express, mainly and CA, statutory auditor, who is the statutory auditor who's been appointed under a statute? Statute matlab kya? Law. So mainly, you know, the main auditor ki hum log jo baat karte hai, bahut sare varieties of audit hota hai, aur jo main financial statement audit hota hai, that is for the audit of the financial statements. Aur financial statements matlab kya? Balance sheet. Then statement of profit and loss account, then cash flow statement, and then the notes. Par abhi notes ka schedule 3 mein kya bolte hai? Summary of significant accounting policies and other explanatory information. So mainly, jab mujhe financial statements ka audit karna hai, to mujhe balance sheet, profit and loss account ka audit karna hai. Aapko pata hoga ke balance sheet mein you have all the balances, kyunki hum likhte hai balance sheet as at. And profit and loss account mein we have all the transactions. Kyunki hum likhte hai profit and loss account for the year ended 31st March. To kya hai? Abhi aapko ye sare balances verify karne hain aur aapko transactions vouch karne hain. You understand? You can, just an example I can give you of a transaction could be say royalty. Yes. IPCC. Right, example of a transaction I can give you is say royalty. An example of a balance which I can give you is say building. So now, you can verify a building. You cannot vouch a building. Yes, you can verify a building. But you can vouch royalty. Vouch matlab to check the supportings. Ki kis basis pe ye transaction books of account mein record hua hai. To ye apna ek bahut important chapter hai, vouching verification. IPCC audit ka jo question paper ka format hai, ek hota hai question number 1 which is compulsory, which is for 20 marks. Hai na? Question number 1 which is compulsory, which is for 20 marks. Fir uske baad question number 2 to question number 7. Hai na? To 3, 4, 5, 6 and 7. Aur kya rehta hai? Select any 5 out of these 6 questions. 5 out of 6 questions and 16 marks each. So 16 5s are 80. So ye 20 marks or ye 80 marks. Aisa mila ke pura 100 marks ka attempt karna hai. Question paper 116 marks ka rehta hai. Kyunki ek extra question rehta hai. Usme se ek generally jo question number 2 rehta hai, wo correct incorrect pe rehta hai. Hai na, true or false, correct, incorrect hota hai. 10 they ask, sometimes they ask 8 only. So 8 true and false, true or false, correct, incorrect, again 2 marks each, so 16 marks. Okay, fir ek question hota hai, kuch bhi 3, 4, 5, 6, koi bhi number pe ho sakta hai, but wo question aisa dikhta hai. What is that question? How will you vouch, oblique, verify the following? और वहाँ पे चार आइटम्स दिए हुए रहते से रेंट बिल्डिंग मैं तो एग्जांपल दे रही हूँ रेंट बिल्डिंग से प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड देन से वन मोर आई कैन से पेमेंट ऑफ टैक्सेस और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कि आप जब ऑडिट पे जाओगे तो आप रेंट का चेकिंग कैसे करोगे आप बिल्डिंग का चेकिंग कैसे करोगे आप प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का वेरिफिकेशन कैसे करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स का चेकिंग कैसे करोगे दैट इज द क्वेश्चन तो जनरली फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मतलब बिना ऑप्शन लिखना ही पड़ता है फिर करेक्ट इनकरेक्ट तो बहुत स्कोरिंग पार्ट है पेपर का तो वो भी हम लिखते ही है फिर ये वाउचिंग वेरिफिकेशन ये भी 3 नंबर का हम लिखते ही है फिर एक क्वेश्चन नंबर 7 होता है व्हिच इज रिगार्डिंग राइट शॉर्ट नोट्स ऑन है ना राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 5 तो यहाँ पे 5 रहते हैं उसमें से 4 लिखना रहता है 1 2 3 4 5 तो जनरली 7 भी हम सिलेक्ट करते ही है तो एक्चुअली जो मेन कंपटीशन रहता है वो ये 4, 5, 6 में रहता है कि इनमें से एक को ड्रॉप करना रहता है
You understand? Out of this, you have to drop one. But you know, मतलब जितने भी final के class में जब मैं पढ़ाती हूँ, तो उनको पूछती हूँ IPCC audit वगैरह, तो बोलते हैं madam बस वो vouching verification ने बचा लिया. मतलब it's that important scoring. मतलब vouching verification मतलब you know, obviously अगर बाकी सब पढ़ाई करके आपको अगर 30-35 marks आपके हो गए, तो vouching verification के 10 mark add हो गए, तो 45, तो कल्याण हो गया ना. तो वो ही ना, मतलब सिर्फ वाउचिंग वेरिफिकेशन करके तो जमेगा नहीं, मतलब पर वो जो एक्स्ट्रा लगता है ना, वो उससे उधर से जम जाता है. यू अंडरस्टैंड? सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. सो डू यू अंडरस्टैंड वाउचिंग वेरिफिकेशन? व्हाट इज वाउचिंग? वाउचिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ अ बैलेंस. सो दैट्स अ ह्यूज चैप्टर विच वी हैव ओवर देयर. देन आफ्टर दैट वन वी हैव वाउचिंग वेरिफिकेशन का टाइप ही, बट ओनली अ सेपरेट चैप्टर, शेयर कैपिटल, शेयर ट्रांसफर, डिबेंचर्स एंड डिविडेंड. Right, so how will you do the audit of these? Then you have another chapter which is regarding the government audit. So again, generally one question from this chapter in the exam, which is government audit. And then after that, you have one chapter which is special audit, which is again a very important chapter. Ek to ye vouching verification aur uska dusra bhai special audit. है ना, जनरली 8 मार्क्स तो आता ही है, मिनिमम 8 मार्क्स, और स्पेशल ऑर्डर वाउचिंग वेरिफिकेशन का मिनिमम 16 मार्क्स. मिनिमम है ये कि मिनिमम 16 मार्क्स ऑफ वाउचिंग वेरिफिकेशन, मिनिमम 8 मार्क्स ऑफ स्पेशल ऑर्डर. अब आईसी एग्जाम के लिए मैं 100% कुछ नहीं बोल सकती हूँ, 90-95% आई कैन से कि ऐसा ही होता है. अब स्पेशल ऑडिट में क्या होता है कि हाउ, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ अ होटल, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ अ हॉस्पिटल, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ एन एनजीओ, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ अ स्कूल. ऐसा है ना, होटल, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सिनेमा हॉल, क्लब वगैरह. तो जनरली यू नो लोकल बॉडीज, जैसे ग्राम पंचायत, जिला परिषद, हाउ विल यू डू द ऑडिट ऑफ द लोकल बॉडीज. यू अंडरस्टैंड? सो दैट इज अनदर वन वेरी स्कोरिंग चैप्टर. सो वाउचिंग वेरिफिकेशन, देन शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट ऑडिट एंड स्पेशल ऑडिट, वहां पे ये चार है. सो दैट इज पार्ट टू ऑफ योर सिलेबस. देन वी हैव द पार्ट थ्री ऑफ द सिलेबस, एंड इन द पार्ट थ्री ऑफ द सिलेबस we are going to discuss a few sections of the Companies Act. We are not going to discuss all the sections of the Companies Act. We are going to discuss a few sections of the Companies Act, mainly related to accounts and audit. Like appointment of the company auditor, qualifications, disqualifications of the company auditor, removal of the auditor, cost audit, books of account. So few sections. Say some 20 sections of the company audit which we are going to discuss over here. Again, Companies Act, matlab legal questions ka ek kya khasiyat hota hai na, ki there is only one answer. But there is no scope of creativity. Ek bar jo learn, matlab apna dimag lagane ka kaam nahi. Kyunki khud se thodi law bana sakta hai na, jo hai wo hai. You understand na? Ek bar aapne disqualifications of company auditor pad liya, rights of company auditor pad liya, to jo pad liya wohi hai na. There is not going to be any change over there. So again, you know, wo bahut confidence rehta hai aise questions mein once you've done it. Right, so that is part 3 of your syllabus. Hai na, aajkal correct incorrect mein bahut question aa raha hai kyunki company act naya aaya hai na abhi, 1956 se 2013, to unke paas bahut stock hai. You know, jab kuch bahut, matlab 1956 se 2012 tak ek hi act chal raha tha na, to obviously wo law ka jitna possible question ban sakta tha, wo sare ban gaye the. Ab aur naya kya puchenge na? बट ये 2013 एक्ट का तो अभी नए नए दिन है, तो अभी तक इसका मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बाकी है पूछने का. राइट, सो दैट इज पार्ट 3 विच इज रिगार्डिंग द कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट. एंड देन यू हैव द पार्ट 4 ऑफ योर सिलेबस विच इज रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, विच इज रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. Right, yes, which is regarding the standards on auditing. Have you heard this term before? SA, standards on auditing. SA, aisa kuch suna hai? Have you heard this term before? Standards on auditing. Right, so I'll talk to you. Now, the standards on auditing. Right, standards on auditing. Who has issued these standards?
who has issued these standards? ICAI. Jaise accounting standards have been issued by ICAI. Waise SA. Dekho, ASSA. Students kya bolte hai? Madam, wo na audit mein mera accounting standard six se nahi hua hai. Audit mein accounting standard? Unko dhyan mein nahi aata hai main kya bol rahi hoon. You understand? Audit mein SA, standards on auditing. Accounts mein auditing standards are there. Yes, accounts mein you have auditing standards. Okay. So now, actually, these standards which have been issued by ICAI are called as the engagement and quality control standards. So, inka pura ya main naam kya hai in standards ka? Engagement and quality control standards, which are known as the EQCS. Engagement and quality control standards. Who issues these standards? These standards are issued by the AASB board of ICAI. Hai na? Issued by the AASB. Who is AASB? The Auditing and Assurance Standard Board of ICAI. The Auditing and Assurance Standard Board of ICAI. Right, they have issued these standards. Yes, the engagement and quality control standards. Originally, jab institute ne standards issue kiye the, to they were called as SAP. What is SAP? SAP, the standards or the statements on auditing practices. So initially, jab institute ne standards issue kiye the, to what were they called as? The standards on auditing practices, SAP. Then after that, they renamed them to be called as the Auditing and Assurance Standards, AAS, the Auditing and Assurance Standard. So rather, maine jab apna CA kiya tha, tabhi maine AAS padha tha. So hamara AS hota tha accounting standard mein aur audit mein AAS, Auditing and Assurance Standard. Aur jaise AS ka 1, 2, 3, 4 hai, waise AAS ka bhi 1, 2, 3, 4 hua karta tha. But now again the standards have been renamed to be called as the Engagement and Quality Control Standards. Are you getting what I'm saying? Now they have been renamed to be called as the Engagement and Quality Control Standards. Okay. Done? Right. Now, Engagement and Quality Control Standards. Yes, Engagement and Quality Control Standards, which have been issued by ICAI. Right, one. Who has to follow these standards? Ye standards kisne issue ki hai? ICAI, Auditing Assurance Standard Board of ICAI. Ye standards kise follow karne hai? Chartered accountant, the CA in practice, the practitioner, the auditor, he has to follow these standards. So now a CA, what are the types of engagements which can be performed by a CA? One, as a chartered accountant, you can do an audit. Ye to aapka main area hai na? Main earning ka area hai. Yes, ke you can do an audit. Fir audit ke alawa, you can also do a review. एक ऑडिट होता है और एक रिव्यू होता है कि आपको जियो अभी नाउ जनरली इन द क्लास जब मैं आपको कुछ पढ़ाती हूँ तो मैं एग्जांपल लेती हूँ कि जो क्लाइंट है जिनके हाँ यहाँ हम ऑडिट करने जा रहे हैं यू अंडरस्टैंड ना क्लाइंट ऑडिटी जिनके यहाँ हम ऑडिट करने जा रहे हैं जैसे आप इन्फोसिस में ऑडिट करने जाओगे है ना तो दैट इज योर क्लाइंट सो योर ओके वी विल कॉल आवर क्लाइंट का नेम इज जियो लिमिटेड What is the name of our client? We'll take generally for example in the classes, Jio Limited. And what is the name of the auditor? PwC and Company. Right, we don't have a, yes, a CA firm doesn't have a customer. McDonald's has a customer. A CA firm has a client. Because we have a long-term association with the client. Right, so what is the name of the auditor which we are generally going to take in the class? Yes, PwC. And what is the name of our client? Jio Limited. Okay, so now say Jio Limited has prepared its financial statements as on 31st March 2016. So this is what? 31st March 2016. Matlab already year khatam ho gaya hai na. And they are telling CA, ye check karke do na. So 31st March 2016, this is historical financial information. This is historical
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. तो सीए बोलता है देखो मैं आपको इनका ऑडिट करके दे सकता हूं, नहीं तो मैं आपको इनका रिव्यू करके दे सकता हूं. सो ऑडिट एंड रिव्यू आर फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फिर से इस टाइम क्लाइंट ने ना 31 मार्च 2020 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, मतलब प्रोजेक्शन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. और सीए को बोलते हैं सीए इसका चेकिंग करके दो ना, हमारे कंट्रोल्स का चेकिंग करके दो ना. तो ये क्या है, ऑडिट रिव्यू के अलावा के अश्योरेंस के काम है. अपना मेन अश्योरेंस का काम तो क्या है, ऑडिट एंड रिव्यू, और ऑडिट एंड रिव्यू के अलावा का ये अश्योरेंस का काम है, तो ये है अदर अश्योरेंस. एंड द फोर्थ एंगेजमेंट. अब जनरली क्या होता है, क्लाइंट है ना मैनेजमेंट, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे और सीए को बोलेंगे कि चेक करके दो. जनरली क्या होता है कि क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप समझते हो ना, क्लाइंट वगैरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह, तो क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं एंड दे गिव इट टू द सीए फॉर चेकिंग. बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कि सीए क्लाइंट इज टेलिंग कि सीए तुम ही हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे दो. You only prepare the financial statements for us. So that is related services. Like client is telling you to compile the financial information for them. So that is related services. So what are the four types of engagements that they are talking about? Audit, review, other assurance and related services. Now, when a chartered accountant is appointed to do an audit, he is going to follow the standards on auditing. When a chartered accountant is appointed to do a review, he is going to follow the standards on review engagement. When a chartered accountant is appointed for other assurance, he is going to follow the standards on assurance engagement. And when he is appointed for the related services, he is going to follow the standards on related services. Do you understand? Standards on related services. यानी कि इसका short form क्या है, SA. इसका short form क्या है, SRE. इसका shortcut क्या है, SAE. और ये SRS. So these are the four engagements. ये exam में question आता है ना, एक already exam question I've covered. Yes, mention the engagement standards. Yes, mention the standards issued by the AASB, collectively known as the engagement standards. So you have to write down standards on auditing, standards on review engagement, standards on assurance engagement, and the standards on related services. SA, SRE, SAE, and SRS. And who is going to do these engagements? Who is going to perform this engagement? Yes, the CA firm. Yes, the CA firm. Yes, the practitioner is going to perform this engagement. So now, आप जो भी काम करते हो, भले आप audit कर रहे हो, review कर रहे हो, assurance या related services, आपको ऐसा लगता है कि आपके firm के services में quality होना चाहिए? कि जो भी काम किया एकदम class apart, it should be very good quality work. So for that, the AASB has issued a standard on quality control. So for that, they have issued a standard on quality control, which is SQC. And now they have issued the standard on quality control, which is SQC. So SQC standard is applicable to the entire CA firm. ये तुम्हारे पूरे firm को applicable है. It's the mother standard. कि आप भले ही ऑडिट कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, अश्योरेंस या रिलेटेड सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल का स्टैंडर्ड तो आपको फॉलो करना ही है. सो दीज आर द फाइव वराइटीज ऑफ एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. व्हाट आर द फाइव वराइटीज, SA, SRE, SAE, SRS एंड SQC. नाउ इन टोटल देर आर 44 एंगेजमेंट एंड 45 एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स. Out of 45, 37 are standards on auditing. तो कितने standards on auditing है? 37. Two standards on review engagement. So 37 standards on auditing, two on review engagement, three on assurance engagement, two on related services and one quality control standard. तो जरा देखो total 45 आ रहा है क्या?
is 37, 40, 42, 44 and 45. Right, so 45 engagement and quality control standards. Now out of this 37 standards on auditing, 34 are applicable for your exams. Out of this 37, 34 are applicable for your exams. Do you understand? Yes, 34 standards on auditing are applicable for your exam. But phir bhi aapke exam mein kaun sa question aata hai? Engagement standard ka. SA, SRE, SAE, SRS. Wo question do baar aake gaya hua exam mein regarding the engagement standards issued by the AASB. Yes, the Auditing and Assurance Standard Board. SA, SRE, SAE, SRS and SQC. तो मालूम है क्या, बहुत बार एक तो बड़ी गलती हम लोग बहुत जो करते हैं वो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है. फिर दूसरा हम लोग क्या करते हैं, इनको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलते हैं. हाँ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, बट एक्चुअली वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग नहीं है ना, दे आर द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स, जिनका एक मेजर टाइप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है. तो इंस्टीट्यूट का मतलब एक प्रकार है ना, दैट सिर्फ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थोड़ी इश्यू किए हैं. यू अंडरस्टैंड ना, इट्स बिकम समथिंग लाइक यू नो कोलगेट एंड टूथपेस्ट, मतलब इक्विवेलेंट ना, समथिंग बिकम लाइक बिस्लेरी एंड मिनरल वाटर. यू अंडरस्टैंड ना, समथिंग लाइक दैट, कि एक्चुअली हम बिस्लेरी बोलते हैं और एक्वाफीना लेके आते हैं. यू अंडरस्टैंड? सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, तो जो फोर्थ पार्ट है आपका सिलेबस का, इन दैट वी हैव दीज 34 स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. But out of this 34, 14 standards I'm going to discuss with you in chapter 1 and 2 itself. So 14 standards, I know 2 standards I'll discuss in chapter 1, introduction to auditing, and 12 standards. इसलिए मैंने बोला ना, second chapter is Maha's chapter. है ना, मैंने बोला बताया ना आपको कि second chapter हो गया मतलब पार लग गए. है ना, सो सेकेंड चैप्टर इन विच आई डिस्कस 12 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स विद यू. तो यहां पे फिर 20 बचते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं एक साथ आपको 34 पढ़ाने लग जाऊंगी, इट्स गोइंग टू बी वेरी डिवास्टेटिंग. है ना, सो दैट इज वाई 14 वी डू ओवर देयर एंड 20 ओवर हियर.